चलिए एक और निमसेट टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 320 है, जो कि प्रेरणा गौर, जो कि सीतापुर उत्तर प्रदेश से है। तो प्रेरणा, सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 320 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो प्रेरणा, आपने क्योंकि ये रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव किए और इतने अच्छे रैंक अचीव किए, तो आपका ये सक्सेस जर्नी क्या है वो बताओ। इंटायर कब आपने निमसेट का सोचा, कैसे फिर आप इम्पिटस से जुड़े, और फिर किस ढंग से आपने सीरियसली पढ़ाई की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया। तो सर मैंने स्टार्टिंग में ना मेरा कोई प्लान नहीं था कंप्यूटर की साइड आने का, क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मैं मैथ लूँ कि बायो लूँ। तो फिर मैंने बायो ले ली ऐसे कंफ्यूजन में। फिर मैंने देखा नीट के बारे में डॉक्टर का, तो फिर मैं गई कोटा, गई प्रिपरेशन करी, तो मेरे वहां पे फिजिक्स में आसानी से नंबर आ जा रहे थे, मतलब मैथ टाइप में। और जो बायो थी उसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। फिर मेरा रिजल्ट आया, फिर उसके बाद मुझे पसंद नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया उसमें। तो फिर मैंने पापा को बोला, मैं कोटा में ड्रॉप के लिए गई थी। फिर मैंने बीच ड्रॉप में पापा को बोला कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो पापा मुझे वहां से ले गए। और फिर हमने किया कि BCA में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि मेरे को कंप्यूटर में इंटरेस्ट हमेशा से था। ऐसे सी सी वगैरह मैंने थोड़ी सी देख रखी थी, तो मुझे अच्छी लगती थी। फिर उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तो फिर पापा ने मुझे बताया था कि NIT भी MCA कराती है। तो फिर मैंने उसके बारे में देखा, तो फिर मुझे पता चला निमसेट है। फिर मुझे आपकी कोचिंग के बारे में पता चला, फिर मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे। फिर उसके बाद मैंने 2022 में ज्वाइन किया था, बट उस टाइम पे मैंने आपका वो ऑफलाइन कोर्स, पेन ड्राइव वाला कोर्स लिया था, तो उसमें मैंने टेस्ट बिल्कुल ही नहीं दिए। तो मैंने सिर्फ पढ़ा जो वीडियोस थे उनसे। फिर मुझे पता चला कि अगर आपको कोई डाउट है तो आपको वो फोटो खींच के भेज सकते हैं, तो वो आप डाउट सॉल्व करते हो। फिर मैंने इंटीग्रेशन में उस टाइम पे पढ़ रही थी, खुद से ही पढ़ रही थी मैं, आपका मतलब पार्ट फॉलो नहीं कर रही थी उस टाइम। फिर मैंने आपको इंटीग्रेशन के सवाल का जो फोटो भेजा था, फिर आपने मुझे कॉल करके मुझे डांटा था कि कोचिंग में ये चल रहा है और तुम ये पढ़ रही हो। और फिर उसके बाद मैं एकदम डर गई थी कि ये ऐसे तो सिस्टम है। फिर मैंने उसके बाद से टेस्ट देने शुरू किए थे, और 2023 के जुलाई में मैं पूरी कनेक्टेड हुई थी आपसे। आप जो बोलते थे वही करती थी। उसके बाद मैंने एक बार आपसे डांट खाने के बाद सब कुछ स्टार्ट किया। जुलाई के बाद फिर टेस्ट दिए, फिर पढ़ा। फिर स्टार्टिंग तो बहुत गंदे नंबर आ रहे थे, फिर उसके बाद और टेस्ट दिए, फिर धीरे धीरे ऐसे बढ़े। फिर बीच बीच में बहुत ही डाउन चले जाते थे, अप एंड डाउन, ऐसे कोई स्ट्रेट नहीं था कि कभी अच्छे ही अच्छे आ रहे हैं, कभी गंदे ही गंदे आ रहे हैं। तो ऐसा था। फिर उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, फिर हो गया। देखो, बिल्कुल सही बात बोली प्रेरणा कि आप इम्पिटस से 122 से जुड़े थे, पर एक खास बात है आपकी कि कहीं ना कहीं आप बायो स्ट्रीम से जुड़े। आपका मैथ सब्जेक्ट भी नहीं था, पर पूरी तरह से मैथ्स भी सीखी, पहले पेंडाई वाले कोर्स से पढ़ा, फिर रेगुलर कोर्स से पढ़ के, और इतनी अच्छी रैंक। वो तो डांटता, मैं तो, मेरे जो बच्चे होते हैं उनको मैं, अगर वो मेरे हिसाब से बात नहीं करते तो मैं हमेशा डांटता हूँ, पर उनको डांट अच्छी लगती क्योंकि वो मेरे अपने बच्चे हैं। तो आपने देखो, उसके बाद एकदम स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो किया और आज उसका आपके सामने रिजल्ट है। और दोनों चीजों में आपने अच्छा परफॉर्म किया, पहले तो नॉन मैथ्स होते हुए भी मैथ्स सीख गए। आज मुझे नहीं लगता आपको मैथ्स से डर लगता होगा। अच्छा, मैथ्स का एक्सपीरियंस क्या रहा आपका, आप बताओ मुझे सर किस मेरा तरह तो से सीखी, बहुत ही क्योंकि अच्छा, स्टार्टिंग में आपको मैथ्स में कुछ भी नहीं आता होगा, फिर धीरे धीरे किस तरह से सीखी। जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के, उनको क्या आप बताना चाहोगे अपनी मैथ्स सीखने के तरीके को। मैंने एक तो ऐसा कोई मेरा तरीका नहीं था, जो आपका तरीका था वही मेरा तरीका था। मैंने एकदम 100% आप ही को फॉलो किया, क्योंकि और कुछ मतलब था ही नहीं दिमाग में। तो मैंने पहले, आपने बोला था कि अगर आपके बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है, मैथ में कमांड ही नहीं है, तो पहले NCERT करो। तो मैंने 11th 12th की NCERT करी थी। ठीक उसके है, बाद मैंने आप जो पढ़ाते थे उसके बाद मैंने स्टार्ट किया वहां से पढ़ना। तो NCERT से बेसिक तो सारा क्लियर हो गया था। उसके बाद आप भी एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं आप, मतलब ऐसा लगता ही नहीं है कि एकदम एडवांस चला गया ये, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। आप पता भी नहीं चलता, बेसिक से एडवांस भी पहुंच जाते हैं और सीख भी जाते हैं, हाँ, पता ही नहीं चलता। ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, आपने कॉलेज के साथ ये दोनों कैसे मैनेज किए, कॉलेज को और MCA को, किस ढंग से आपका मैनेजमेंट था आपका। जो मेरा कॉलेज स्टार्ट होता था वो सुबह होता था 9 बजे, और 4:30 तक खत्म हो जाता था। तो मैं जो कॉलेज का काम होता था वो सारा कॉलेज में कंप्लीट कर देती थी। और अगर जैसे 1 घंटे की भी क्लास खाली है तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, ओके, या फिर मतलब कुछ भी एम्प्टी है तो मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। फिर 7:30 बजे डिनर होता था, तो मैं जब 4:30 बजे खत्म होता था उसके बाद थोड़ा ऐसे घूमती थी। फिर 5 बजे से 7:30 8 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती थी इस निमसेट का। उसके बाद मैं खाना खा के फिर घर जाती थी। तो फिर उसके बाद घर जाके मैं थोड़ा सा देख लेती थी कुछ, या रिवाइज कर लेती थी, उसके बाद मैं सो जाती थी। फिर ऐसे स्टार्ट हो जाता था अगला दिन।
और लास्ट सेमेस्टर मैंने थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करी, बाकी सेमेस्टर थोड़ा कम गई, बट पिछले 6 महीने में बहुत ही मैंने स्टार्ट कर लिया था। गुड, मतलब एक्चुअल में मैं हमेशा कहता हूँ, कई बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, कि कॉलेज की पढ़ाई आपने कॉलेज भी निपटा दी, जिससे आपको कॉलेज का प्रेशर घर पे लेके नहीं आया, ये सबसे अच्छी बात थी। अच्छा हाँ ये बताओ कि आपका, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड नहीं था, तो कहीं पे भी आपको कभी डर लगा, कोई फेयर आया आपके मन में? मुझे लग रहा था, मुझे एक ही डर लग रहा था कि अगर मैं जैसे टेस्ट, मुझे ऐसे पूरी जर्नी में तो डर नहीं लगा कि मेरी मैथ बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं चला मैं बेसिक से एडवांस तक कब चली गई, तो वो तो एकदम फ्लो में गया है। तो बट मुझे ये डर लग रहा था कि जब मैं टेस्ट सेंटर पे जाऊंगी और मैं बीएससी मैथमेटिक्स के बच्चों को देखूंगी तो मैं ऐसे डिमोरलाइज टाइप हो जाऊंगी। तो उसके मैंने पहले से ही, आप हमेशा कहते हो ना कि पहले से माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, तो मैंने पहले से माइंडसेट बना रखा था कि मेरी मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी मैं, मतलब कुछ कम नहीं है मैथ, मैंने ठीक है, पढ़ी है, तो इसीलिए वो हो गया, बाकी मैथ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अच्छा एग्जामिनेशन सेंटर पे जब आप गए और पेपर दिया, और पेपर जब आपके पास आया, तो क्या थॉट आपके अंदर आया? मेरे अंदर थॉट था कि पहले तो एकदम ब्लैंक हो गया था, फिर उसके बाद था कि मतलब कुछ तो होगा, मैंने पढ़ा है तो कुछ तो आएगा, अगर मतलब 50 क्वेश्चन है तो 10 नहीं बनेंगे, 40 आएंगे, 20 नहीं बनेंगे, 30, कुछ तो होगा, यही थॉट था। मैंने सोचा कि जितना आता है उतना करूंगी, जो नहीं आता उस पर देखूंगी नहीं, तो जितना आया उतना ही किया मैंने। और इसका फायदा भी मिला, ये ही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कि जितना आता है उतना ही कर लो, वही काफी आपके लिए, आप और क्यों इस चक्कर में मैं, पड़े हो। हाँ हाँ मैं बीच में ऐसे 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 डर लगता है ना कि क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो वैसे करके ऐसे डर सा लगा था। तो आपने, मुझे याद आया, आपने बोला था कि ऐसे पानी पियो और थोड़ी सांस लो बैठ के, तो उससे 2-3 सेकंड कम होते हैं लेकिन बाकी आउटपुट बढ़ जाता है, तो मैंने वो भी किया था, तो उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गुड, मतलब आपने एक तरह से पूरी तरह से टिप भी फॉलो की और बहुत अच्छे से अपने पेपर को मैनेज किया। अच्छा प्रेरणा, आप अपने जूनियर्स को, और जिनका बेसिकली मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होता, क्योंकि आपने दो चीजें की, एक तो मैथ्स ना होते हुए भी आपने फाइनल के साथ निकाला, और दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो आप अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे, जिनका स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है या जो फाइनल ईयर में है, उनको आपका क्या मैसेज होगा? तो मेरा तो यही मैसेज है कि मतलब जितना जल्दी हो सकता है स्टार्ट कर लो प्रिपरेशन, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा पेपर बन रहा है अब, एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 2020-21 का था वो बहुत ही इजी सा था, बेसिक उसमें था। बहुत बेसिक था, बट अब ऐसा पेपर नहीं आ रहा है, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना पढ़ना स्टार्ट कर लो। और अगर किसी चीज को फॉलो कर रहे हो तो उसे बिल्कुल हार्ड से स्टार्टिंग से फॉलो करो, ये नहीं कि आधा इधर कर रहे हैं आधा उधर कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं है, बस टिप्स फॉलो करो और माइंडसेट अच्छा रहना चाहिए, माइंडसेट अच्छा होगा तो कुछ भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला। तो वंस अगेंस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट, आप एनआईटी जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करो, और बहुत आगे बढ़ना भी आपको, है ना बेटा?